सातवा अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि पेज नंबर 259 नीचे से थर्ड लास्ट पैराग्राफ। तथा जो ज्ञेय तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे। तीन बातें कही थी उपदेश में, तीन चीजें कौन कौन सी? तो हे और उपादेय की तो क्या करना? परीक्षा करना, क्योंकि हे को उपादेय जान ले ना उपादेय को हे जान ले तो बुरा होगा, उसको जानना जरूरी है, समझ में ना। अब ये का क्या करें, क्योंकि संसार में हे उपादेय तो कम है और ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत है। आदमी को जितनी अपने भले बुरे की चिंता नहीं है, उतनी पड़ोसियों का क्या हो रहा है उसकी ज्यादा चिंता। क्यों? देश में क्या है, विदेश में क्या है, परदेश में क्या है, नीचे क्या है, आस पड़ोस में क्या है, क्यों? ये तत्व को जानने की कितनी रुचि? तेरा भला किसमें ये नहीं जानना है, दुनिया में क्या है ये जरूर जानना। भले बुरे की चिंता लोगों को कम है और गेयों को जानने की अभिलाषा बहुत है। और जबकि परीक्षा है और उपादेय तत्वों की आवश्यक है, गेय में क्या है, है? कोई चीज जान ली तुमने, समझ लो बिल्डिंग जान ली, तुमको ज्ञान हो गया उससे कि अपना भला किसमें और बुरा किसमें। क्यों? तो बिल्डिंग खड़ी है, जान ली इसी ऊपर, तो ये टेढ़ी हो रही थी, टेढ़ी जान टेढ़ी है। अब इससे अपने अपने भले और बुरे का हे उपादेय तत्व का कुछ ज्ञान होता है क्या? लेकिन उसका ज्ञान मतलब उससे अपने हे उपादेय का कुछ भी ज्ञान नहीं होता तो भी उसके जानने की रुचि बहुत है। मैंने जिसको कहते हैं संसार में आदमी निस्सार बातों में अपने उपयोग को तो बहुत लगाता है, और मेरा भला किसमें है और मेरा बुरा किसमें है, जिसको कहते हैं क्या है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक, इसमें वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहता है। कि नहीं स्थिति अपनी, कितनी देर अपन गे के अंदर उलझे हुए हैं और कितनी देर हे उपाधि में अपन अपनी बुद्धि को लगाते हैं, बताओ। इधर क्या हुआ, उसका क्या हो रहा है, वो क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कौन क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, इनका बस चले तो इनको यही केवल ज्ञान दिला दो, सब पता करना है इनको, क्या किसका क्या है, किसका क्या है, चर्चा हो क्या होती है, अरे उसका मालूम है, उसका तो वो है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, और चालू हो क्या, जिससे कोई लेना देना नहीं अपना, और अपना जिनसे लेना देना है कि भाई मेरा मेरे लिए क्या छोड़ने लायक है और मेरे लिए क्या ग्रहण करना उपयोग होता। तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि गेय तो अनंत है और अनंत गेयों में अपने को बहुत परीक्षा करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन जो हे उपादेय है उनकी परीक्षा तो अवश्य कर लेना, क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं करने से अपना बिगाड़ है और उनकी परीक्षा करने में अपना सुधार। तो गे हो सके उनकी, अब गे तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो कर लेना कि ये बराबर सही है कि नहीं है, और नहीं हो तो क्या करना। मैंने देखो जिनवाणी में तीन तरह का उपदेश, हे उपादेय और गे का, तो अब वो किस किस की परीक्षा करे सा? कि देखो तुम हे उपादेय की परीक्षा करो कि यहाँ जिनवाणी में जो चीज छोड़ने के लिए कही है वो बराबर है कि नहीं, और जिस चीज को ग्रहण करने के लिए कहा है वो बराबर है कि नहीं, और जो जानने के लिए कहा है कि भाई तीन लोग का स्वरूप ऐसा है जो गे है अपने लिए
ढाई द्वीप, जम्बू द्वीप, पंचमेरु, नंदीश्वर, ये सब गए, और इनमें परीक्षा चल नहीं सकती ज़्यादा, क्या इनकी परीक्षा कैसे करें? फिर राकेट भेजें यहाँ से पंचमेरु के लिए, जाके देख क्या, कोई उपाय नहीं, क्या परीक्षा करने का उपाय नहीं, आगम से ही जानते। तो अब वो आगम सत्य है कि नहीं जिसमें लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि इससे उस आगम की प्रमाणता निश्चय होगी कि यदि उस आगम में हे उपाधेय तत्वों के बारे में अन्यथा नहीं लिखा है तो उसमें जो कुछ भी गे लिखा है वो भी सत्य है, और यदि उसने हे उपाधेय के बारे में गलत लिखा है तो उसका गे भी गलत है, क्योंकि जो प्रयोजन भूत में झूठ नहीं बोलेगा वो अप्रयोजन भूत में झूठ नहीं बोलेगा, और जो प्रयोजन भूत में झूठ बोलेगा वो तो अप्रयोजन भूत में भी झूठ बोल सकता है। इससे पहचान करता जिनवाणी के सारे कथन अपने लिए प्रमाण है, क्यों? क्योंकि जिनवाणी प्रयोजन भूत बातों में एक एक वृत्ति भर भी झूठ नहीं बोलती। जिनवाणी ने जो चीजें हमारे छोड़ने के लिए कही है वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि उसको छोड़ने से हम सुखी होते हैं, और जिनको ग्रहण करने के लिए कहा है वो भी बराबर है, क्योंकि उसको ग्रहण करने से हम सुखी हो सकते हैं। जिनको छोड़ने के लिए कहा है वो दुख के कारण, जिनको ग्रहण करने के लिए कहा है सुख के कारण। तो इसलिए उन हे उपाधेय से हम पहचान जाते हैं कि भाई इसमें और भी सब बातें सच्ची है, इसमें एक रत्ती भर भी कुछ गलत नहीं लिखा है, रत्ती भर भी। तो गे की तो ऐसा है कि परीक्षा हो सके तो कर लेना, यदि तेरे में ताकत हो जो चीज की कर सकता है उसकी कर लेना, और नहीं हो तो अनुमान लगाना कि ये जो हे, क्या अनुमान लगाना, जो हे उपाधेय तत्व अन्यथा नहीं कहे तो हे तत्व को अन्यथा किस लिए कहें? क्या जहां गड़बड़ करनी होगी तो यहाँ करेंगे, क्या हे उपाधेय में गड़बड़ करें? पांच इंद्री के विषय भोग उपाधेय है, और विषय भोग नहीं छोड़ना तो हे गड़बड़ करेगा ना। अरे बोले ये तो जैनी बहुत कठिन लोग हैं, इनका धर्म जो है बहुत रूखा है, असंभव बातें कही, इस लोग आक्षेप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विषय कषाय का त्याग, और उन्हें क्या करना है, उन्हें विषय कषाय का सेवन करना, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें बात क्यों रुचेगी, और रुचि नहीं है क्योंकि उनकी बुद्धि में उसको उन्होंने क्या मान रखा है, उपाधेय। तो फिर दुनिया को उपाधेय विषय कषाय लगते हैं, तो इसलिए दुनिया को जो अच्छा लगे, जो उसकी जो उसका रुचिकर हो, जो उसकी रुचि के अनुरूप हो, अनुकूल हो, तो वो वैसी बात करें तो उसको रुचेगी। क्या शराब पीने वाले से शराब की बात करें तो रुचेगा, है कि नहीं? जुए वाले से जुए की बात करें, पान दबाव मतलब जिसकी जो रुचि हो, क्रिकेट वाले से क्रिकेट की बात करें रुचेगी। तो संसार में अधिकांश जीव विषय कषाय के पोषक, विषय कषाय की रुचि रखने वाले जीव है, तो इसलिए वो शास्त्र भी उनके हिसाब से लिखेंगे, इनको ये बात रुचेगी क्या। और फिर हम ये इनका पोषण कराएंगे, और हम कराएंगे और ये इनको इनको बहुत रुचेगा जमेगा। तो उन्होंने इसलिए जो है सीधे भाई भगवान ने भी ये किए, इसमें कोई गलती तो ही नहीं है, ये सब तो आनंददायक है, इसमें क्या है, भगवान ने ही भोग किए, रासलीला की, माखन खाया, भक्तों का समय दुष्टों का श्रृंगार किया, राज सब किया। तो जब उनने किया तो अपने तो क्या दिक्कत है, ऐसा के उनके मिस से, और फिर लोगों पर भगवान पसंद आएंगे, क्यों आएंगे, लोगों को वही सब काम करना है, उनका अंतरंग तो वही है ना। एक मंदिर है यहाँ पे, प्रसाद में शराब शराब देते हैं, प्रसाद हैं, जागो मुझे नहीं है, सारे नशेलियों की नहीं इज्जत, प्रसाद
दीपू। हाँ, भांग 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 पीने वालों को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बहुत अच्छी लगती है। क्या मोतीचूर का लड्डू खाने वाले को गणेश चतुर्थी अच्छी है, खाने को मिलता है, इससे अच्छा और क्या। शरद पूर्णिमा मनाते लोग दूध पीने को मिलता और ऊपर छत पे बैठते आराम से। तब ऐसी चीजें तो रुचे ही ना, किसको नहीं रुचे बताओ, दूध का दूध पी लो आराम से, परम का परम बन गया, रोड तीज रोड भी खाओ आराम से, तीज भी हो गई। मैंने कोई भी चीज खाने पीने की किसको नहीं रुचेगी ये तो बताओ आप, एक को मेरे को एक आदमी तो बताओ आप, जिस जिसको ये विषय कषाय न रुचते हो। यदि विषय कषाय कई नाम धर्म होता तो ये जगत में सभी धर्मात्मा ही कहलाते, और विषय कषाय के पोषने के लिए धर्म की आवश्यकता ही क्या है, उसकी रुचि तो बिना सिखाए जीव को अनाधिकाल से लग रही है। तो इसलिए ऐसा है कि दिमाग लगाओ ना, तो ये दो और दो चार है। ये पंडित जी की विशेषता है कि पंडित जी ने इतने गूढ़ तत्व को भी इतना सिंपल करके परोसा है, बिल्कुल कॉमन सेंस बना के कि भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या है कि धर्म तो वीतराग भाव रूप है, अब जब राग भाव का पोषण होगा तो वो बताओ धर्म कैसे हो सकता है। नहीं तो क्या है कि ये जो बरगलाने वाला आदमी वो इधर उधर की फोकट की बातें करता, भगवान की तो लीला है लीला है, मैंने वो भगवान कुछ भी करे, मेरे थप्पड़ लगा ले, मेरे पैसे चुरा ले, सब कर ले, फिर मैं क्यों, तो लीला है उनकी, लीला है लीला है, लीला है, है? मेरे घर का कोई आदमी पैसा चुरा है, सब करे और कुछ मत बोलो, ये सब ऊपर वाले की लीला है, ये सब लीला का ही भैया है, ये बड़े लोग है ऊपर वाले, अपने को कुछ कहने का अधिकार नहीं, ये तो ऊपर वाले की सब लीला है। तो ऐसा लोक में चलता है क्या, आप कुछ मत बोलो कुछ मत बोलो, क्या जगत के अंदर अरे हमारा कुछ बिगाड़ होगा तो हम उसके अंदर कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि भैया ये तो गड़बड़ काम है, काहे की लीला हिला है, क्यों अपना कोई पैसा छीने लूट ले, गलत है सब। ऐसे उन्होंने किया पोषण काहे का किया, चोरी का न परिस्थिति सेवन का न झूठ बोलने का न उसका, क्या अपने साथ वो गुजरे तो अपन को किसी की लीला कहेंगे। तो इसलिए ये बहुत स्पष्ट चीज है वैसे तो, कि भाई उन्होंने जो है प्रयोजन भूत में अन्यथा कहा है, प्रयोजन भूत माने हे उपादेय को, उन्होंने हे को उपादेय बनाकर प्ररूपित किया है और उपादेय को हे दिखाकर प्ररूपित किया है, और इसलिए वो जो है वो प्रमाण नहीं किया जाता, उसके बाकी सब बातें भी हम प्रमाण नहीं कर सकते। और यहाँ जो है हे उपादेय में बिल्कुल भी रत्ती भर भी कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए उसके सारे ज्ञेय तत्व भी क्या है, ज्ञेय तत्व भी क्या है, सत्य है। जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों में झूठ नहीं बोलता, वह प्रयोजन झूठ क्यों बोलेगा, इसलिए ज्ञेय तत्व का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज क्या से माने। देखो पहले सर्वज्ञ के वचनों की परीक्षा हे उपादेय तत्वों की करे, सर्वज्ञ के हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करे, और जब हे उपादेय उसको बराबर लग जाए, मैंने किसी के भी वचनों की परीक्षा हम कैसे करेंगे कि उसने हे उपादेय में गड़बड़ तो नहीं किए ना, यदि वहां उसने गड़बड़ नहीं किए तो हम उसके सारे ज्ञेय तत्वों को भी क्या मान लेंगे। तो सर्वज्ञ के वचनों की भी हम पहले परीक्षा करते हैं, क्योंकि किसके वचन सत्य है कि नहीं है कुछ तो परीक्षा की जाएगी ना, वक्ता की प्रमाणता उसके वचनों से ही जानी जाएगी, वो सर्वज्ञ है भी कि नहीं है इसकी प्रमाणता उनके वचनों से करेंगे, और जब वचन हमें सत्य लगेंगे तो हमें प्रतीति होगी कि सत्य, फिर उनका जो कुछ कहा हुआ जो जिसकी हम परीक्षा नहीं भी कर सकते हैं, जो कि प्रयोजन भूत भी नहीं है, उसको भी हम क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। यदि उनका यथार्थ भाव भाषित न हो तो भी दोष नहीं है, क्या ये कह रहे हैं स्वर्ग नरक, यदि तुमने कभी 49 पाथड़े की जगह 48 भी पाथड़े याद रख लिए कोई बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुमने अनंत भगवान को
क्या रागी देशी मान रखा है तो वो बहुत बिगड़ने वाला है। लोगों को जितना जैसे समझ लो कोई 14 पोजीशन में उपास नहीं कर पाए एक भी तो उसको बढ़ावा लगता है, मैंने उसमें उसको बड़ी मन में अटकती है। परंतु कई लोगों को ये जो गृहित मिथ्यात्व है इसके सेवन में उनको लगता ही नहीं कुछ हम पाप भी कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। मैंने देवशास गुरु के श्रद्धान में कितनी गड़बड़ है और वो कितना बड़ा पाप है उसकी भाव भावना उन्हें नहीं, और उन्हें भक्ष का त्याग हुआ कि नहीं हुआ इसकी बहुत ज्यादा चिंता है। मैंने श्रद्धान की अपेक्षा उनको वो चरित्र जो कि ऊपर की भूमिका में होता है उसकी परवाह है। लोग क्रम है ना क्रम, कुदेव कुगुरु कुधर्म को पूछता रहे भले, लेकिन साहब मैंने उपास नहीं किया अब इसका प्रायश्चित बताओ। मैंने प्रायश्चित यही है कि तू कुदेव की आराधना छोड़ दे, प्रायश्चित वो बड़ा पाप है तो बड़ा पाप तो छोड़े ही नहीं, तो छोटे छोटे पाप की चिंता कर। तेरे घर में जितने भी देवी देवता रखे ना भगवान के अलावा उन सबको बाहर निकाल दिया, अरे वो कुछ कर देंगे तो मेरे करेंगे ना तेरे क्यों करेंगे, मैंने बताया तो बताने वाला तो मैं हूँ, फिर तो मेरे को ही उठाएंगे वो, तेरे को क्यों उठाएंगे। यदि उनको बुरा करना होगा तो मेरे पास आएंगे ना कि भाई किसने किस पंडित ने कहा है ये फलाने ने कहा तो इसको ठीक करो, तो वो किसको ठीक करेंगे। यदि उनको करना होगा तो जो भड़काने वाला होता है उसको ही ठीक किया जाता है, लीडर को ही है। बाबरी मस्जिद में जिसने भाषण दिए भड़काऊ उसको पकड़ेंगे, जो तोड़ने वालों को उनको पकड़ेंगे। तो मैंने कहा ये इसमें क्यों है, इसमें दोष क्योंकि तू यदि जब तक रागी को पूछता रहेगा तब तक तेरे को वीतरागता की महिमा ख्याल में नहीं आएगी, और जब तक वीतरागता की महिमा ख्याल नहीं आएगी वीतरागता तेरा आदर्श नहीं बनेगा तब तक तू स्वयं वीतरागता की प्राप्ति का उद्यम कैसे करेगा। एक भगवान जिनेन्द्र के अलावा अन्य कोई देव नहीं है क्या, इसलिए ये सब चीजें बंद कर दो, भले उपास बनते हो कि नहीं बनते हो उसकी इतनी चिंता मत करो। क्या क्यों, क्योंकि उसमें भक्ष का त्याग हो रहा है और यहाँ तो जो अनायतन है जिनको सम्यक्त में दूषित दूषण कहा है उनका सेवन हो रहा है। सम्यक्त के 25 दोष अपन ने पढ़े हैं, उसमें 6 अनायतन है, 3 मूर्ता है, 6 अनायतन क्या है, कुदेव कुगुरु और कुधर्म, 3 ये और 3 इनके सेवक मानने वाले, और 3 मूर्ता है देव के बारे में, मूर्ता सबका मूर्ता माने देव के बारे में परीक्षा नहीं करना, परीक्षा नहीं करना सबको, सब देव, सब देव, सब देव है अपने। अरे लोगों तो इतना आदर सम्मान करते हैं ना वास्तव में कि एक सामान्य व्यक्ति का ही भगवान जैसा आदर करने लग जाता है, वो क्या है। रागी द्वेषी है ना, अभी कौन वीतरागी हो गए, वीतरागी की यदि तुम रागी द्वेषी का ही सम्मान और उसकी वो करने लग जाओगे तो फिर वीतरागता के लिए क्या बचेगा, वीतरागी के लिए क्या बचेगा है। इसलिए वो गड़बड़ है, पहले वो है, पहले ये निर्णय करो है उपाधेय का मतलब ये क्या मेरे लिए सबसे पहले छोड़ने लायक है, कि मिथ्यात्व मेरे लिए छोड़ने लायक है और उस मिथ्यात्व के लिए मेरे को गृहित मिथ्यात्व सबसे पहले छोड़ने लायक, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र ही संसार का कारण है और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही मोक्ष का कारण, उसका मार्ग है। सम्यक दर्शन का प्रति सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष का मार्ग, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए क्या है संसार में मान, तो सबसे पहले क्या छोड़ेंगे, मिथ्या दर्शन छूटना चाहिए, और मिथ्या के बिना गृहित मिथ्या के त्याग हुआ गृहित कैसे छूटेगा। हम तो छोटी छोटी भूलों को छुड़वा रहे हैं और ये इतनी मोटी भूल पड़ी हुई है,
अभी कुछ नहीं हो सकता क्या? मेरी कुल देवता है, कुल देवती है, किसी की कुल देवी है, किसी की देवता है, किसी की क्या आ रहे हैं, किसी की क्या आ रहे हैं, तो कौन कौन आ रहे हैं पता नहीं। अभी ये सब चक्कर पहले बंद हो तो अपन तत्व की बात करें, और ये इन्हीं चीज़ों में उलझा होगा तो उसका दिमाग तत्व में कैसे लगाएंगे उसको, तो लौकिक चीज़ों में उलझा होगा क्योंकि ये सब लौकिक कार्यों का ही पोषण करती है, समझ में ही ना बात। इसलिए बहुत जरूरी है, लोगों का क्रम सही साठ नहीं। अच्छा, लोगों को मैंने एक चीज़ और देखी कि लोगों को ये हे उपादे के बारे में इतनी रुचि नहीं उत्पन्न होती जितनी की गे तत्वों को जानने में रुचि होती है, मैंने बात की ना। और तो वो पंडित जी तो जबकि कह रहे हैं कि यदि उनका यथार्थ भाव भाषित ना भी हो तो भी दोष नहीं। 48 पाथड़े जान ली, जैसे जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा, सब 1,00,000 का कि नहीं, 1,00,000 नहीं, 1,40,000 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 40 योजन याद नहीं भी रहे तो कुछ नहीं होने वाला उससे, और यदि उसमें गलती भी रह गई तो भी मोक्ष में कोई बाधा नहीं है। किसमें? सुमेरु पर्वत की लंबाई में, तो ये है तो उपयोग लगाने के लिए कि उसको जानने से वितरागता और बढ़ती है, और यथार्थ जानो तो अच्छा है, लेकिन यदि यथार्थ न भी जाने और कोई 19-20 हो जाए ज्ञान के कम क्षयोपशम से, तो भी उससे कोई अपना बिगाड़ सुधार नहीं है, लेकिन यदि प्रयोजन भूत में यदि गड़बड़ करेगा तो उससे अपना बिगाड़ सुधार है। इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वाधिक का निरूपण किया वहाँ तो हेतु और युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है, माने तत्व का कथन इसलिए तर्क से युक्ति से हेतु लगा के, हेतु माने उसका कारण दिया है, इसका हेतु क्या है, इसकी युक्ति क्या है, हैं और जिस प्रकार भी उसको अनुमान आदि से, अनुमान से, प्रत्यक्ष अनुभव से, क्या जिससे भी उसको विश्वास उत्पन्न हो उस तरह से कथन किया। सारा तर्क, सारे हेतु, युक्तियां, उदाहरण, दृष्टांत, अनेक प्रकार से ये इन अनेक चीजों का उपयोग, जिसकी हमें आपको प्रतीति करानी है, जिसका अनुभव कराना है, उसके लिए इन सब का प्रयोग किया। क्या तत्व की प्रतीति माने, तत्व की प्रतीति माने तत्व का भाव भाषण हो, तो भाव भाषण कराने के लिए थोड़ी मेहनत करानी पड़ती है। मेहनत कराने के लिए अच्छे से आपके दिमाग में बिठाना है हमको, तो आपके दिमाग में बिठाने के लिए हमको उसके लिए हमको हेतु देने पड़ेंगे, युक्ति देनी पड़ेगी, दृष्टांत देंगे, तर्क देंगे, ताकि वो चीज़ आपके चित्त में उतरे। ऐसे ही नहीं कि पढ़ के चले गए, चलो भैया तत्व कितने हैं, 7, ये कितने हैं, उपाधेय कितने हैं, 3, ये कितने हैं, ये परम उपाधेय कितना, ये हो गया याद सबको, चलो आगे हो गया काम। भाई एक्चुअल में देखा जाए तो ये बात मतलब ये जो है वो इतनी बात बता के आगे बढ़ा जा सकता, रटाना होता पढ़ा दिया सब्जेक्ट बताना, लेकिन यदि उसको आपको प्रतीति करानी हमको उस वस्तु की, तो उसके लिए पूरी बाल की खाल भी हम निकाल के उससे आपको प्रतीति करें, क्योंकि इसका प्रयोजन ये है कि अपने को वो अपने अपने हृदय को वो स्वीकार हो। सवाल ये कि अपने वाणी को स्वीकार नहीं कराना है अपने को, कि अपन ने 4 चीज़ें रट ली, ये रटाना नहीं, ये हमारे 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 श्रद्धांत को स्वीकार हो कि हाँ वस्तु स्वरूप ऐसे ही है, जीव अजीव का जो स्वरूप बताया है वैसा प्रतीति में आए कि हाँ वास्तव में मैं देह आदि से भिन्न आत्मा हूँ, समझना है। तो प्रतीति कराने के लिए तो सब काम करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्या उसके लिए मैंने जिनवाणी माने उसके लिए बहुत मेहनत की, और उसकी मेहनत में थोड़ा बुद्धि लगती, समझाने वाले को भी बुद्धि लगती, समझने वाले को भी लगती, और नहीं तो यूँ तो कुछ नहीं है, उठाया पढ़ा, 7 तत्व होते हैं, तत्व कितने होते हैं बताओ, चलो बच्चा सब तत्व 7 होते हैं, चलो आ जाओ, द्रव्य 6 होते हैं, कषाय 4 होती है, पाप 5 होते हैं,
और ऐसी पढ़ाई होती भी जिसका प्रयोजन केवल जानकारी कराना, लेकिन उस जानकारी के अंदर अपना जीवन से उसको लगा के नहीं निकाला उसको कि इससे मेरे जीवन के अंदर शांति मेरे को कैसे मिलेगी। पढ़ लिया लेकिन इससे मेरे को शांति कैसे आएगी, ये तत्वास की परीक्षा रख ली, परीक्षा दे दी, 90 नंबर आ गए और अशांति बनी गई, तो अपने को क्या लाभ मिला? परीक्षा देते रहते हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास उससे परीक्षा देते रहते, मैंने ये भी दे दी, मैंने ये भी दे दी, ये भी दे दी, मैंने घुमट सारे पढ़ लिया, जीव काम भी हो गया, मेरा कर्म काम भी हो गया, मेरा सब हो गया तेरा क्या, जैसे स्कूल की परीक्षा थी ऐसे सब हो गया, अब हो ही गया तो अब तो तेरे कुछ बचा ही कहा है कुछ, वो भी क्या हुआ है उसमें भी वो अपन पूछो जरा सा भी तो सब पता चल जाता क्या हुआ। मैं क्या तुम्हें 90 नंबर घुमट साल, बोले करना क्या उसमें, पिछले 5 साल के पेपर उठा हो बस तैयारी हो गई, और वो भी नंबर उसमें भी जो जांचने वाला खूब देता अपन आराम से। मैं क्या एक आध बार मेरी परीक्षा में बैठा क्या 5 साल का पेपर तो छोड़ो, 10 साल के पेपर में एक भी चीज रिपीट नहीं हुई। तो वो क्योंकि उसको लगाओ ना तुम, उसको कैसे लगाओ अपनी, मैंने उसको लाइफ में अप्लीकेबिलिटी से लगाओ। क्या किसको कहते हैं अपन, अप्लीकेबल फिजिक्स एक होता है ना, अप्लाइड फिजिक्स, जैसे अप्लाइड धर्म, अप्लाइड धर्म माने उसको हम लगाएं अपने जीवन में। तो उसको लगाने के लिए क्या है कि जो चीज़ हमें आपको चित्त में घुसेड़नी है उसके लिए हमको हेतु तर्क माने उसको हम लॉजिक से समझाएंगे ताकि आपको बात चित्त में घुसे। हम प्रथमा नियम नहीं घुसेड़ेंगे कि राम हुए थे इसका प्रमाण क्या है कि जहाँ खोदो तो राम की मूर्ति निकल जाती है और ये वो दुनिया भर के, हमें कोई प्रयोजन नहीं। तुम राम को मानते हो रावण को नहीं मानते हो हमें क्या मतलब, राम रावण तो तुमको तब प्रतीति में आएंगे जब तुमको तत्व प्रतीति में आएगा, तुमको राम रावण से तत्व प्रतीति में नहीं आएगा, तत्व की प्रतीति से राम रावण सत्य लगी। इसलिए सबसे पहले तत्व अभ्यास होना चाहिए, जिसको तत्व अभ्यास होता है उसको गुणस्थान भी सच्चा लगता है, राम रावण भी सच्चे लगते हैं, उसको जम्बूद्वीप सुमेरु पर्वत सब सत्य भाषित होता है, और जिसको तत्व की प्रतीति नहीं होती है उसका हर जगह क्वेश्चन लगता है। आलू में कहा है अनंत है, दिखते नहीं, खा तो सकते हैं थोड़े वक्त, रात को कहाँ दिखते हैं जी, अब तो लाइट चल रही है, अब जबकि चिपकली ही दिख रही है अच्छे होगी ऐसी बातें करते हो, क्यों करते हैं वो ऐसी बातें, क्योंकि उन्होंने हेतु तर्क युक्ति से तत्वाधिक की प्रतीति नहीं की। उन्होंने तत्व तो सीखे हैं लेकिन तत्व की प्रतीति उन्हें अंतरंग में उत्पन्न नहीं हुई। तत्व की प्रतीति मैंने सबसे पहले जीव जीव की प्रतीति, इसलिए वास्तव में तो सबसे पहले तत्व अभ्यास होता है, अध्यात्म का अभ्यास जीव को सर्वप्रथम करने योग्य, और वो जहाँ उससे शांति मिलती सीधे तो सब चीज़ सच्ची लगती है कि यहाँ एक भी बात गलत हो ही नहीं सकती। क्या जहाँ स्वपर की बात समझे कि अरे स्वपर भेद विज्ञान की कि ये यहाँ पर बिल्कुल उद्गल शरीर बिल्कुल न्यारा है और जीव तत्व जानने देखने वाला तत्व बिल्कुल न्यारा है, मैं भ्रम से इसको अपना मान रहा था और इसका बोझा ओढ़ के सो रहा था, मैं भ्रम की चादर में दुखी हो रहा था। तो जैसे ही उसको देह में परायापन भाषित होता है तो बहुत आकुलता दूर होती है, शांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता है, और उससे जब उसको अंतरंग में वो चीज सत्यार्थ स्वरूप उसको भाषित होने लगता है और अपना भ्रम दिखाई देने लगता है तो उसको जिनवाणी की रुचि और बाकी सब बातें भी क्या लगती है, सच्ची लगती है। इसलिए जहाँ जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वाधिक का निरूपण किया है वहाँ तो उन्होंने हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान अधिक से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया। देखो चार नियोग है, प्रथमा नियोग में काव्य अलंकार की मुख्यता है, चार नियोग है ना, कौन कौन से पहले तो प्रथमा नियोग, ये नाम याद है क्या क्या है, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमा नियोग कर्णा नियोग, ये रोज बोलते हैं पूजा के अंदर अर्घ चढ़ाते हैं जब,
तो प्रथमा नियोग की जो पद्धति है वो काव्य अलंकार की, प्रथमा नियोग में काव्य अलंकार की शैली से कथन होता है और कर्णानियोग में गणित की मुख्यता से कथन होता है और चरणानियोग में नीति की मुख्यता से कथन होता है। न्याय नीति 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 की मुख्यता से मतलब न्याय नीति नहीं लौकिक न्याय नीति की मुख्यता है और द्रव्यानियोग में न्याय की मुख्यता है। न्याय माने कौन सा न्याय, दो न्याय हो गए थे तो न्याय शब्द बोल नहीं था, कौन सा न्याय, एक तो लौकिक न्याय है और एक न्याय माने वस्तु स्वरूप को समझने के लिए न्याय, न्याय माने कि जिससे हम परीक्षा कर सके, तो तर्क हेतु युक्ति, तो पूरा न्याय शास्त्र जितने भी है वो सब उस न्याय की मुख्यता से, पहले तो न्याय शास्त्र भी वो द्रव्यानियोग का एक हिस्सा है और एक हिस्सा उसका है अध्यात्म, और अध्यात्म के भी दो हिस्से करें तो एक अपने निज आत्मा का स्वरूप कथन करने वाला, आत्मा का कथन करने वाला और एक छह द्रव्यों की स्वतंत्रता को बताने वाला, वस्तु स्वरूप का कथन करने वाला और आत्म तत्व का स्वरूप कथन, दो ब्रांचेस इसकी, किसकी द्रव्यानियोग की, एक तो न्याय, न्याय माने कि न्याय करना आए कि न्याय में कोई भी न्याय किसे सिद्धि कैसे की जाए, किसी भी वस्तु की सिद्धि करना, सिद्धि करना माने ये सत्य है कि नहीं है, इसका लक्षण क्या है, इसकी प्रबल युक्ति क्या है, इसका हेतु क्या है, वो न्याय शास्त्र में पूरा सिखाया जाता है, लॉजिकल साइंस लॉजिक सिखाया जाता पूरा, तो वो न्याय की मुख्यता से पूरा करना चरणा इसका द्रव्यानियोग का कथन है। क्यों, क्योंकि उसमें आपको प्रतीति करानी है, प्रथमानियोग में काव्य अलंकार कहानी बतानी तो कहानी में तो अलंकारिक वर्णन करेंगे, चरणानियोग में नीति की मुख्यता से, भैया नीति माने किसी की हिंसा मत करो, ये नीति है, न्याय नीति कहते ना अपन, जो व्यवहार तुम्हें अपने साथ बुरा लगता हो दूसरों के साथ मत करो, अपने धन की चोरी तुम्हें बुरी लगती है तो दूसरे के धन की चोरी मत करो, क्या जो मतलब हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, परिस्थिति सेवन मत करो, परिग्रह आवश्यकता से अधिक मत जोड़ो, क्या न्याय नीति से, तो उसमें नीति शास्त्र की व्याख्या, फिर सिविक्स सिविक्स जिसको कहते हैं, और कर्णानियों में सब गणित ही गणित है, तीन लोक की रचना है, जीवों की संख्या है, कर्मों की प्रकृतियों की संख्या है, कर्म है, तो गणित की मुख्यता उसमें, और द्रव्यानियोग में प्रतीति कराना है तो उसमें न्याय की मुख्यता, ऐसे चारों अनियोगों की शैली है, जो ये शैली को समझता है बराबर समझता है, इसलिए वो चरणानियोग में न्याय नहीं लगाता है, चरणानियोग में ज़्यादा ज़्यादा बुद्धि लगाने की चरणानियोग में नहीं है, तेरे पास बहुत यदि तेरे पास बहुत मतलब तेरे को बहुत तर्क आते हैं क्या, तो बहुत तर्कशील है, बहुत बहसबाज है, तेरे को बहुत बहस करना आता है तो तू बहस कर तर्क तत्व में, क्या वो द्रव्यानियोग बहस के लिए ही है, क्योंकि उससे अपनी वस्तु पकड़ में आएगी, और ये कोई बहस के लिए नहीं है कि आलू में कितना अनंत है कि नहीं, क्या सूरज दो है कि चार है कि एक है कि कितने हैं, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, तूने इसको बहस का मुद्दा बना लिया, कर्णानियोग में तो ये लगातार प्रश्न, जबकि कर्णानियोग और चरणानियोग और प्रथमानियोग तो अहेतुवाद आगम है, अहेतुवाद माने वो तो जो कहा है वो है खत्म, उन्होंने कह दिया कि जम्मू द्वीप 1,00,000 योजन तो है और तू नाप में बैठ जा भाई सुबह शाम वेट के नापेगा तो उसमें अक्कल लाते लोग, साहब यहाँ ऐसा लिखा है कि जम्बू द्वीप के अंदर तो इतने मनुष्य रह सकते हैं और मनुष्यों की संख्या तो इतनी कही है और जम्बू द्वीप तो इतना ही बड़ा है तो इसमें इतने कैसे रह जाएंगे, ऊपर के लेवल में पृथ्वी के अनेक प्रकार पर तू क्यों इसमें इतना माथा फोड़ता है, चरणानियोग के प्रश्न करेंगे ज़्यादा ज़्यादा कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो ऐसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए अपने को, हम लेट हो गए हों प्रवचन चालू हो जाए तो हमको दर्शन करना चाहिए, माथा पकड़ के बैठ जाओ भाई, तू तत्व के भी तो प्रश्न करा कर, मतलब प्रश्न तेरे किस लेवल के आ रहे हैं, तेरे प्रश्न आने चाहिए तात्विक,
सफल के भेद विज्ञान संबंधी, राग मेरा स्वरूप है कि नहीं है, मैं क्यों भटक रहा हूँ, श्रद्धान जो है मेरा विपरीत क्यों चल रहा है, मेरा अनादिकाल का जो विपरीत श्रद्धान है सात तत्व के संबंधी वो कैसे सुनते, मुझे सम्यक की प्राप्ति कैसे हो, तत्व का यथार्थ स्वरूप क्या है, ये इसमें लगाया अपनी अकल क्षेत्र में सात तत्व में, और ये इसमें कायम लगा रखी फालतू की बातों। आज अष्टमी एक नहीं, पंडित जी दो अष्टमी है इस बार, तो ये आज एक नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की लिखी है, मध्य प्रदेश की नहीं, भैया तो जब के मनाना मना ले आज मनाना आज मनाना क्या मना। तो मेरे से ये सब चीज़ें क्यों पूछता है, तो थोड़ा ये पूछना कि भाई राग आत्मा का है कि नहीं है, किसने इसे कहा, वो तो बात ही नहीं करे, अष्टमी किस दिन को है, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, मना जब मनाना मना तो बहुत बिगाड़ नहीं हो जाएगा। हमारे क्या है कि हमारे बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड पर वो लिखा जाता है आज ये है, और वो कभी चेंज नहीं होता कभी किसी दिन, तो सब लोग और आज ये ले गया ये ले गया, तब मैंने कहा उसने भाई ने चेंज नहीं किया, उसमें बहुत बड़ी बात हो गई क्या, अरे नहीं कैसे चेंज नहीं किया, सब भाई के घर पहुँच जाए, भाई लिखो आज 13 से, तो क्या हाँ लिखती हूँ भाई भूल गई मैं आज 13 से, तो वो उसका अपराध सबको बड़ा अपराध दिखता है, ये इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसने आज 12 से मिटा के 13 से नहीं लिखी, और बाकी कुछ मतलब ही नहीं, बाकी तो जो चलता रहे सब चल रहा है आराम से, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों का अप्रयोजन बहुत बातों में तो बहुत बहुत ध्यान है, और जो मतलब की चीज़ है उनमें कोई ध्यान नहीं है उनका, जिनको उनको आज्ञा मतलब जिनके अंदर उनने दिमाग लगाने की चीज़ नहीं थी वहाँ तो सारा दिमाग लगा रखा है, और जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ कुछ नहीं, ना नए विवक्षा पता है, मैं कहता हूँ ये सब चीज़ें काम की, नए क्या है, निश्चय नए क्या है, व्यवहार क्या है, व्यवहार निमित्त क्या है, उपादान क्या है, छह द्रव्य क्या है, वस्तु व्यवस्था क्या है, सात तत्व क्या है, द्रव्य की स्वतंत्रता क्या है, कार्य कारण भाव क्या है, ये क्या है, ये सब चीज़ें समझने की, ये मूल चीज़ें कोर, और कोर तो गायब ही है, और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं। अरे जिसका हमारे जीवन से संबंध है, हमने अनादिकाल से स्वर पर के बीच में भेद नहीं किया, इसलिए तो हम संसार भटक रहे, हमने देह को अपना माना और देह को ही प्राप्ति के लिए हमने चाह, हमने देह को ही चाह, देह मिल रही, तो ऐसी कोई बात करो जिससे देह मिलना बंद हो, वो नहीं करता है, इसलिए पंडित जी ने कहा कि त्रिलोक गुणस्थान मारणा पुराण आदि के देखो सब आ गए इसमें, तीन लोक गुणस्थान मारणा स्थान पुराण ये सब के कथन क्या है आज्ञा अनुसार की, मैंने इनको तो तुम आज्ञा से मान लो, क्या तुम ये परीक्षा मत करने बैठ जाना, रामचंद्र जी की इतनी आयु ठीक नहीं थी, 17,000 लिखी, 17,000 मेरे को तो नहीं लगता 17,000, पहले इतने लंबे आदमी होते होंगे, होते होंगे, मैंने कहा हाँ होते थे भैया, मुझे तो नहीं लगता, अब मैंने कहा वो डायनासोर वगैरह हुए ही नहीं हो गए, वो इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ थी, अंडे निकल गए आदमियों के, अरे डायनासोर के आदमी के भी कंकाल निकल गए, और नी भी निकले होते तो भी मैं तो कहता हूँ मेरे को जिनवाणी से सब प्रमाण, और तुम्हें भी होना चाहिए, तुम उसकी परीक्षा करो ना जो प्रयोजन भूत है, ये तो सब आज्ञा से मानने ही होगी कि हाँ 6 काल होते हैं, पहला काल भोग भूमि है, दूसरा जगमान ये सब है, पहले दूसरा तीसरे काल भोग भूमि, कल प्रोक्षा होते होंगे कि नहीं क्यों नहीं, हमको तो लगता है कि क्या पता कल प्रोक्ष कैसे होते होंगे। अरे एक आदमी ने अभी लेख लिखा, उसने ऐसी उठपटांग बातें लिखी, उसने कहा ये जितने भी अमेरिका के लोग हैं यही सब विद्याधर है, और ये जो हिमालय है ये हिमान पर्वत है, और ये पाकिस्तान है म्लेच्छ, और ये गंगा है इधर सिंधु नदी है, और ये जितने भी वृक्ष है यही कल्प वृक्ष है क्या, मैंने कहा हाँ तो भाई, और उसको लोग बहुत बढ़िया क्या रिसर्च करी इनने, मैंने कहा इन्होंने सत्यानाश कर रखा रिसर्च कर रखी, क्या है कि रिसर्च करिए, मैंने कहा इनकी बुद्धि इतनी है, मैंने कहा पाकिस्तान तो अपना हिस्सा था एक जमाने में, तो क्या हम कम ले चले गए, और ये विद्याधर काहे के हो गए विद्याधर, अरे विद्याधर तो आकाशों में उड़ते हैं, उनके विमान होते हैं अलग तरह के, ये तो हमें सही नहीं है, रूप परिवर्तनीय विद्या होती है क्या, दुनिया भर की 18 विद्या होती है तो कुछ भी नहीं है उसमें, कौन सी हिमालय हिमवन पर्वत हो गया, और कंबोडिया में पंचमेरु हुए तो वहीं पंचमेरु हो गए, ऐसी 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 बातें हैं
मतलब और इनमें अपने सारा लगा रखा है। अभी एक मैं एक जगह गया था अहमदाबाद एक दिन, बहुत बड़ी अच्छे बड़े बड़े इसके नासा वासा के और इसके अपनी आए ना इसरो वगैरह के बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे, और उनकी क्या चल रही थी मालूम है आपको, कि अपने को कैलाश पर्वत ढूंढना है। तो उन्होंने कहा चाइना का पूरा नक्शा दिखाया और नक्शे के नीचे दिखाया, नक्शे के अंदर पहाड़ बने हुए, तो उन्होंने कहा पहाड़ के नीचे अपन रे भेजेंगे और उसमें से देखेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ चैत्यालय वत्यालय है कि नहीं। तो मेरा प्रेजेंटेशन मेरे को बुलाया उन्होंने कि जैन दर्शन क्या कहता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जितनी भी रिसर्च है मैंने कहा बिल्कुल बेकार जाएगी, मैंने कहा इसमें पैसा बेकार करने का कोई मतलब ही नहीं, मैंने कहा आप उस कंट्री से परमिशन लोगे कि हमको ये नीचे से रे करने जाने कोई दे रहे हो परमिशन तुम्हें, दे भी दे कदाचित तो भी ये जो कथन है आगम का कि भाई इस काल में कैलाश पर्वत नहीं पहुंचा जा सकता और वो जो चैत्यालय थे वो चले गए, मैंने कहा मेरे को तो इस पर बहुत विश्वास है और मैं तो आपसे इतनी कह सकता हूँ कि नहीं हमने तो आपको ये समझ के बुलाया कि आप चूंकि बाहर रहे हैं तो हमारी बात क्या, बोला आप भी इसमें विश्वास करते हैं, 100% इसमें क्या शक। अनेक तरह से पूछा, सबने पूछा, मैंने कहा देखो मुझे जिनवाणी की एक एक बात पे पूरा प्रमाण मतलब पूरा भरोसा है, और मैंने कहा तुम भले ही कुछ भी हो साइंटिस्ट हो सब हो। फिर उन्होंने प्रश्न किए जिनवाणी की तरफ से, सर आपने केवल जगत श्रेणी की बात है और लंबाई की बात करी, तो मैंने कहा लंबाई क्यों कही, लंबाई के साथ चौड़े भी की जगत पत्थर भी कहा उसमें चौड़े की बात की, तो थ्री डायमेंशनल की नहीं करी, उनके लोक की बात करी, तुमने जो नक्शा देखा टू डायमेंशनल देख रखा है, तुम्हें थ्री डायमेंशन तुमने बहुत सारे जो प्रश्न थे, मैंने कहा तुमने पढ़ी नहीं जिनवाणी इसलिए तुमको बहुत सारे ऐसे उठपटांग प्रश्न आ रहे, तुम बैठो यहाँ आराम से बता रहा हूँ तुम्हारे को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिनवाणी की कोई बात कोई अधूरी नहीं है, वो सब परिपूर्ण है और ये इससे कोई सिद्धि नहीं होने वाली कि तुम करो ये करो वो करो। तो मेरे पास एक और था और उसने ही मेरा समर्थन किया, मतलब वो भी पूरा आगम का प्रमाण मानने वाला, उसने भी छः काल के बारे में वर्णन किया कि छः काल ऐसा है। फिर उन्होंने एक बाग में लेख लिखा, तो लेख में लिखा कि ये जो दो लोग थे ये वही पुरानी बातों को ही मानने वाले थे। मैंने कहा जो मानना हो मानो, लेकिन तुम भले ही यहाँ के साइंटिस्ट हो जाओ चाहे कोई भी हो, लेकिन ये सर्वज्ञ देव द्वारा कथित कथन है और ये तुम्हारी जो रिसर्च है ये आज की रिसर्च है और वो रिसर्च से भी बदलती रहती है। मटेरियल भी पूरा मैंने एक को तीन लोग का नक्शा भेजा कोई से, तीन लोग का उसने कहा, तो उसने पता नहीं उससे कोई दूसरी थ्योरी भी रही थी उसके अंदर कुछ क्या 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 चलता है उनके दिमाग में कि ये जो लोग है इसमें से एनर्जी आती है यहाँ से वहाँ से इधर ऐसा इसका शेप और क्या क्या कर दिया। मेरे को भेजा उसने कि मैंने आपके पिक्चर से ये रिफर किया है, कैसा है जैसा है ऐसे सस्ती नहीं रिसर्च कर दी होगी, तो उनकी खोपड़ी कुछ भी चलती रहती जो भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोक की जितनी भी रचना है उसको हम केवल आज्ञा से मानते हैं क्या। और देखो कोई ये कहे कि साहब इसमें हो सकता है बाद के आचार्यों ने कुछ अपनी तरफ से जोड़ा हो या कुछ रह गया हो, तो यदि एक ग्रंथ में ऐसा उल्टा होता तो मैं मानता, लेकिन मैं तो जितने ग्रंथ पढ़ता हूँ उसमें पूर्वापर एक सा कथन है, मैंने किसी भी ग्रंथ में जम्बूद्वीप को 1 लाख से 1 इंच भी कम नहीं बताया, कहीं भी सूर्य 2 से कम नहीं बताए, कहीं भी ग्रह 88 से कम नहीं बताए, जो जो रचना है बताइए सुमेरु पर्वत लवण समुद्र जो भी सारी वो सब में एज इट इज है, मैंने उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है। तो अब मैं कैसे मान लूँ कि ये जो तुम कह रहे हो वो सत्य है और ये जो जिनवाणी में लिखा है वो गलत है। ऐसे ही राम रावण का वर्णन मैं कैसे मान लूँ कि भैया नीचे वो, मैं तो कहता हूँ राम की उम्र थी 17,000, आज के पहले के लोगों की आयु थी और अभी थोड़े दिनों पहले की थी भैया, बहुत बड़ ज़्यादा पूछे गए और उसके अलावा लंबे चौड़े आदमी थे, महाराणा प्रताप ताकत थी उनमें, शारीरिक बल था इतना, उनका जो कवच है वो आज तुम पहन ही नहीं सकते, 90 किलो का कवच हो तुम्हारे पढ़ा है तुम्हारी जाओ 90 किलो का पहन उसको पहन के, उनकी तलवार इतनी भारी उठा नहीं सकते लोग, और ये तो बहुत साल पहले नहीं हुए ना, कितने टाइम पहले हुए थे, तो यही सब उनके कपड़े दिखा रहे हैं, ये कपड़े बड़े बड़े हैं।
अरे जयपुर के महाराजाओं के कपड़े देखना, आपको ऐसा लगे कोई राक्षस था क्या कोई? तो ये तो अभी हुए हैं इतने लंबे चौड़े आदमी, तो फिर बहुत हम कोड़ा कोड़ी सागरों की बात कर रहे हैं। उतने समय पहले यदि कोई आदमी एक मील लंबा हो, दो मील लंबा हो, तीन मील लंबा हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? इस कोई असंभव कोई बात नहीं, शारीरिक शक्ति वगैरह सब। तो इसलिए इनकी तो इनकी भी कुछ कुछ हो सकती है परीक्षाएं, लेकिन फिर भी इनकी इनकी परीक्षा करने में ज़्यादा उपयोग लगाने को नहीं कहा है। जो परीक्षा लगाने के लिए कहा है वो किसमें कहा है? हे उपाधि तत्वों में, माने पूरा द्रव्यनियोग परीक्षा के लिए समर्पित है। छह द्रव्य, सात तत्व, स्वपर, ये पूरा काय के लिए परीक्षा करते हैं। और इनका निरूपण भी हेतु तर्क युक्ति आदि से किया जाता है। इसलिए हे उपाधेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। वहाँ जीवाधिक द्रव्यों तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना, किन के देखो कितना कोर्स दिया, जीवाधिक द्रव्यों को, सात तत्वों को और स्वपर को पहचानना, तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागाधिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना, तथा निमित्त निमित्त आदि जैसे वैसे पहचानना इत्यादि, मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति है उन्हें अवश्य जानना। हर क्वेश्चन में अपने को लगना चाहिए कि इससे मोक्ष मार्ग की क्या सिद्धि होगी। क्या यदि मैं अष्टमी आज मना, आज की जगह कल मना लूंगा तो मेरा मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा क्या, बताओ? लेकिन यदि मैंने स्वर पर को यथार्थ नहीं जाना तो मेरा मोक्ष मार्ग बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? निमित्त निमित्त संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लिया तो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। इससे ये प्रयोजन भूत बिल्कुल मेन कोर चीज है। क्या क्या कोर्स दिया है अपने को, बस हर हर अरे जिनवाणी भी पढ़ के उसमें से स्वपर निकालना, स्वपर को निकाल, अपने आत्मा को निकालना, जीव कांड में भी जीव को निकालना, कर्म कांड में भी कर्म जीव को निकालना, हर त्रिलोक सार में भी त्रिलोक में भी जीव को निकालना, जीव ने कहाँ का भ्रमण किया, हर चीज में अपने आप को मुख्य करना कि जीव कहाँ का परिभ्रमण करके आया है, कि जीव ने कैसे कैसे कर्म बांधे हैं, जीव कितने प्रकार के हैं, क्या हर चीज में मतलब अपनी मुख्यता करना, नहीं तो बस। और क्या करना? त्यागने योग मिथ्या तो रागादिक भाव को जानना, ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना। इसमें पूरी बुद्धि लगा देना, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, मैंने उसकी पूरी बाल की खाल निकालना, और त्यागने योग्य जो मिथ्या रागादिक है उसमें बुद्धि लगाना, और निमित्ताधिक जैसे है वैसे पहचानना, इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। सो इनकी तो परीक्षा करना, कैसे परीक्षा करना? सामान्य रूप से देखो क्या क्या किस तरह से करना, किसी हेतु युक्ति आदि द्वारा इनको जानना। किससे जानना? हेतु से, युक्ति से इनको जानना, प्रमाण नय द्वारा जानना, निर्दोष स्वामित्व आदि से जानना, और सत्संख्या आदि से इनके विशेष जानना। तीन सूत्र दिए पंडित जी ने, कौन कौन से? अरे तत्वार सूत्र के तीन सूत्र आए इसमें, प्रमाण नैरधिगम, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान्त, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्पभौतुता। कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े? तत्वार सूत्र के किसी ने भी सूत्र नहीं पढ़ रखे, अपन कोई लेंगे नहीं होगा तो आगे कभी। ये तीन पदार्थों को जानने के उपाय हैं, ये तीन सूत्र दिए हैं। प्रमाण और नयों के द्वारा पदार्थों को जानो, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान से जानो, और सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव बहुत से जानो विशेष। और सामान्य रूप से जानना है तो कैसे जानना? हेतु युक्ति से जानना, सामान्य इसका हेतु क्या है, युक्ति क्या है, हेतु समझना, हेतु किसे कहते हैं, कारण, युक्ति, युक्ति किसे कहते हैं, युक्ति हैं? नहीं, युक्ति मतलब क्या कि जैसे ये युक्ति दी, युक्ति माने ऐसा मानने से ये होगा और ऐसा ना मानने से ये होगा,
कल कल आगे थोड़ा युक्ति अलग है, और मैं कल परिभाषा आपको निकाल के बता दूंगा क्या है, क्योंकि उसके एकदम परिभाषा दे तो सही लगेगा, अभी वो क्या है मेरे को परिभाषा याद नहीं है, लेकिन उसमें अंतर है, तर्क में और युक्ति में अंतर है, दोनों शब्द अलग अलग। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, युक्ति अलग चीज़ों को कहते हैं। व्याप्ति का ज्ञान तर्क कहलाता है, यदि जहाँ जहाँ धुआं होगा तो वहाँ अग्नि नियम से होगी, ये तर्क है। युक्ति अलग चीज होती है, युक्ति देना कोई बात को अपनी सिद्ध करने के लिए अपनी युक्ति देते ना, देखो भैया यदि मैं गलत होता तो आपको ऐसा क्यों बोलता, यदि मेरे को कमाना होता तो मैं आपको पहले ही कम क्यों बताता, लोग युक्ति देते ना अपनी, तो युक्ति कहलाता नई युक्ति। तो हेतु युक्ति आदि द्वारा सामान्य रूप से इनको जानना और प्रमाण नहीं, क्या प्रमाण नहीं द्वारा जानना, तो प्रमाण और नहीं क्या है, ये पूरे प्रमाण और नहीं तो पूरे न्याय शास्त्र के फाउंडर पिलर है। प्रमाण माने जो वस्तु का सर्वांगीण कथन करे वो प्रमाण है, और जो वस्तु का एक देश कथन करे वो नए है। अपन ने पढ़े हैं सब, छह डाला पड़ी थी जब, परंतु तो याद हो तो ना, कहा प्रमाण नए निक्षेप को नवद्योत अनुभव में दिखे, प्रमाण नए निक्षेप को नवद्योत अनुभव में दिखे, द्रग ज्ञान सुख बल में सदा नई आन भाव। बस गई हो तो गाड़ी में, अरे आगे की कोई मतलब नहीं, अपने तो प्रमाण नए निक्षेप से मतलब, प्रमाण नए निक्षेप को, तो प्रमाण नए और निक्षेप तीन चीजें हैं। पहले सूत्र में निक्षेप का वर्णन, निक्षेप से तो लोक व्यवहार होता है, पदार्थों को जानने के उपाय प्रमाण और नए। पूरा जिनागम का जो अध्यात्म है कर्ण द्रव्य नहीं होंगे, वो प्रमाण नए के ऊपर आधारित है। न्याय की फाउंडर पिलर है प्रमाण और नए, नयों से वस्तु को समझाया जाता है, निश्चय नहीं से ऐसा व्यवहार नहीं से ऐसा, नयों के बिना वस्तु स्वरूप नहीं बता सकते, द्रव्य आर्थिक नहीं पर्याय आर्थिक नहीं, वस्तु की सिद्धि करनी है ना, तो वस्तु नित्य भी और अनित्य भी है, अब कैसे सिद्ध करेंगे बिना नए के, भाई द्रव्य आर्थिक नए से वस्तु नित्य है और पर्याय आर्थिक नए से वस्तु अनित्य है, माने द्रव्य अपेक्षा से वस्तु सदा काल नित्य है और अवस्था की अपेक्षा से देखे तो हर समय बदल जाती है, इसलिए अनित्य नष्ट हो जाती है। अपन बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, और अपन कायम एक नहीं है बताओ, ये दोनों धर्म अपने में एक नहीं है, बदल भी रहे और कायम भी है, रोज बदल रहे हैं और रोज कायम है वही के वही है, तो बदलते हुए भी कायम है, तो अपना बदलना भी स्वभाव है और कायम रहना भी स्वभाव, नित्यता भी है और अनित्यता भी। लेकिन क्या है, लोगों को इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मतलब उनको ये लगता है कि जो नित्य वो अनित्य कैसे हो सकता है, जो अनित्य वो नित्य कैसे हो सकता है, तो फिर इसलिए नए की जरूरत पड़ती है कि भाई नए जो है अपेक्षा लगा के समझाता है कि देखो द्रव्य अपेक्षा से वो क्या है नित्य, और पर्याय की अपेक्षा से देखो तो वो अनित्य, तो वो अपेक्षा से उसको बराबर ज्ञान में जाता है। जैसे हम कहें कि ये माँ पिता भी है और ये पुत्र भी है, तो लोगों को लगता है ना कैसी बात कर रहे हैं, बेटा भी और पिता भी है, पितृ पिता भी और पुत्र भी है, कि भाई एक आदमी की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि पिता और पुत्र है, इनकी अपेक्षा पिता है और इनकी अपेक्षा पुत्र, तो अपेक्षा लगा के बताओ बराबर, अपेक्षा लगाने का नाम क्या है, नए सियाद बात अपेक्षा से कथन करें, नई बात कहो सियाद बात कहो सब अपेक्षा से कथन करें, और प्रमाण संपूर्ण वस्तु का निरूपण करें। तो प्रमाण में जब आदमी को संदेह उत्पन्न होने लगता है कि प्रमाण क्या कहेगा, प्रमाण कहेगा वस्तु नित्य अनित्य है, ये प्रमाण का कथन है, और द्रव्यार्थिक नहीं कहेगा वस्तु नित्य है, और पर्यायार्थिक नहीं कहेगा वस्तु अनित्य, समझ में आ रही है बात। तो प्रमाण और नए से जानना, निर्दोष ये निर्देश लिखा, निर्देश वाली सशक्कर का होना चाहिए था, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान से जानना, भी क्या है निर्देश स्वामित्व, कल करेंगे अपन, निर्देश स्वामित्व क्या है और सत्संख्या अधिक क्या है, इनसे इनके विशेष जानना है ना, तो कल आप थोड़ा खुद भी पढ़ के आना कि निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान क्या है, और सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव बहुत क्या है, आपको मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा ये पढ़ना है, तो तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में छठे सातवें आठवें सूत्र हैं ये लगभग, उसमें मिल जाएगा तत्वार सूत्र पढ़ना।
घर जाके 5-10 मिनट थोड़ा भी पढ़ लोगे तो कुछ कहने को रहेगा।